हिमाचल प्रदेश में जो ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसका पूरा एक वर्ष हो गया, लेकिन एक वर्ष का अगर अंकलन करना है, सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करेगी, लेकिन यह हकीकत सच्चाई है, जो अहम जिम्मेवारी किसी भी सरकार की होती है, सेवाएं प्रदान करना, शिक्षा की सेवा, स्वास्थ्य की सेवा, पीने की पानी की सेवा, बिजली की सेवा, राशन के डिपो की सेवा, सब सेवाओं पर ग्रहण लगा है। ये सरकार इन ग्रहणों को हटाने में सक्षम नहीं हुई। आशाएं लोगों की रहती है, जब भी नई सरकार आएगी आशाएं रहेगी। एक समय, एक साल का समय बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि आशाएं लोगों की बहुत रहती है, और ये सरकार लोगों को भ्रमित करने में नंबर वन है, चाहे दिल्ली की सरकार है, चाहे इसकी सूबेदार की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में है, ये भ्रमित करने में नंबर वन है। लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में धरती के स्तर पर विरोध शुरू हो रहा है, और जब विरोध शुरू हो रहा है तो इस प्रकार के किस्से भी किए जा रहे हैं, जैसे पिछले दिनों में बुलंदशहर में देखने को मिले। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मुसलमान की बहुत बड़ी आबादी नहीं है, माइनॉरिटी की, लेकिन उसके बावजूद एक इस प्रकार की घृणा लोगों का ध्यान बुनियादी बातों से हटाना किया जा रहा है। और पिछले दिनों में रोहड़ू के अंदर एक सुनियोजित तरीके से एक गाय के बच्चे का, बच्चू का सिर मिला, और उसके ऊपर बहुत बड़ा दंगा करने का प्रयत्न किया। उसमें हमारी पार्टी छानबीन कर रही है और कोशिश कर रही है कि जनता की एकता भंग ना हो, एक बात यह है। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, आज जो सेवाएं हैं और जो सेवादार हैं, उसकी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, और उनके प्रश्नों को लेकर भी आज जो कर्मचारी है एकत्रित हो रहा है, और साथ साथ में जो फैक्ट्री का मजदूर है और जो एक कृषक है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 90% लोग अपना जीवन यापन कृषि से करते हैं। जो जमीन की होल्डिंग है बहुत छोटी है, 6 और 6 बीघा से कम, जिसका मतलब है आपका हाफ हेक्टेयर, 6 बीघा हाफ हेक्टेयर हुआ, वो 60% किसान की संख्या है, और इसकी भी जो समस्या है बहुत अधिक बढ़ रही है, खास तौर पर जब सरकार नव उदारवाद की नीति के चलते हुए जो छोटा मोटा राहत अनुदान दिया करती थी उससे उसने अपना हाथ खींच लिया। इस सरकार की खासियत है मार्केटिंग, इस सरकार की खासियत है एक भ्रम पैदा करना, और उसमें अभी तक उसको सफलता मिली, तभी तो उसको जनमत समय समय पर मिलता रहा, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और ये जो कहा जा रहा है कि दे रहे हैं 72,000 करोड़ रुपए या 12,000 करोड़ से, ये सिर्फ आपकी फिगर्स की जगलरी है, ये ठोस रूप में मिला नहीं है, और इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इसलिए समय के साथ ये भ्रम लोगों का टूटेगा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को संगठित करने की जरूरत है। बगैर लोगों को संगठित किए हुए जो उसकी रोजमर्रा की समस्या है, मजदूर को मजदूर की समस्या को लेकर, किसान को किसान की समस्या को लेकर, और जो दो बड़े हिस्से समाज के इसके अलावा है, जो महिला और जो दलित है, हमारे राज्य में जो दलित की संख्या है वो पंजाब के बाद सबसे अधिक है। हम हर चौथा आदमी आज हिमाचल प्रदेश में दलित समुदाय से वो बिलोंग करता है, और उसकी ज़िंदगी इतने बुरे हाल है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, ज़मीनें छोटी है, और इसलिए इन सब समस्याओं को लेकर शिक्षा के लिए छात्र को, नौजवान को
उसके रोजगार पर। जब तक हम उसको संगठित नहीं करेंगे तो ये तो ठीक है कि भ्रम समय के साथ टूट जाता है, लेकिन भ्रम टूटना अपने आप में बतेरा नहीं है। आपको एक बेहतर समाज बनाने के लिए और विकास के लिए जब तक आप इन अलग अलग समाज के हिस्सों को संगठित नहीं करेंगे तो आप जो एक बेहतर हिमाचल बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पाएगा। इसलिए चुनौती जो आज हिमाचल में, जो हिमाचल का विकास करना चाहते हैं, बेहतर हिमाचल बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अलग अलग समाज के हिस्सों को किस तरीके से संगठित किया जाए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है।